हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम आपको श्वसन की क्रियाविधि के बारे में हम आपको बताएंगे। कल के वीडियो में हमने आपको श्वसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने आपको बताया था, डेफिनेशन बताया था, श्वसन के प्रकार बताया था। आज हम आपको इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से श्वसन की क्रियाविधि होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक बार वापस देखिए, श्वसन की डेफिनेशन, कोशिकाओं में आंशिक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पन्न होना श्वसन कहलाता है। श्वसन क्रिया में जैसे हमने कल आपको बताया था कि कुछ जीव ऐसे हैं उनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है, जैसे जीवाणु है, नीलरी शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है, कुछ कवक जैसे ईस्ट है, इनमें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होता है। और इसमें हमने आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के एक अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसे केवल 2 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है, और जबकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जब ग्लूकोज के एक अणु के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उसे 38 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब देखिए, इसमें मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और ब्रीथिंग दोनों के बारे में हमने कल आपको बताया था कि श्वसन एक अलग चीज प्रक्रिया है और ब्रीथिंग जो है श्वसन का एक भाग होता है। तो अब मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, तो श्वसन की क्रियाविधि का अध्ययन जो है 3 भागों में किया जा सकता है। पहला क्या है, देखिए, नंबर 1 पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं फुफ्फुसीय संवातन, फुफ्फुसीय संवातन। पहला पॉइंट हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन, फुफ्फुसीय संवातन। इसको हम सांस लेना भी कहते हैं, यानी कि इसको हम ब्रीथिंग भी कह सकते हैं, ब्रीथिंग। सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसों का विनिमय, गैसीय विनिमय, जिसको हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं गैसीय विनिमय। और थर्ड जो है ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन। तो ये 3 स्टेप में जो है हम श्वसन की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं श्वसन की क्रियाविधि का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। नंबर 1 फुफ्फुसीय संवातन, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको कि हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसीय विनिमय, और थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन। तो अब यहां पर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, इस दो को हम
इरेज कर देते हैं। इसको हम पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको हमने आपको बताया कि ब्रीथिंग भी कहते हैं। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन किसे कहेंगे, वातावरण से वायु को लंग के अंदर फिल करना तथा लंग से CO2 को बाहर रिलीज करना, ये क्रिया जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी ब्रीथिंग कहलाता है। बाहर से वायु को लंग के अंदर फिल करो यानी फेफड़े में भरते हैं और फिर फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यह प्रक्रम जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी ब्रीथिंग कहलाता है। तो ब्रीथिंग की क्रिया जो है ये दो स्टेप में पूरा होता है। ब्रीथिंग की क्रिया यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन ये दो स्टेप में पूरा होता है। एक को कहते हैं इंस्पायरेशन और सेकंड है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का स्टडी जो है हम इसको दो भागों में बांट करके कर सकते हैं। पहला है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। तो देखिए पहले हम इंस्पायरेशन को, इसको हम देखिए हिंदी में निश्वसन या अंतः श्वसन भी इसे हम कहते हैं। अंतः श्वसन और एक्सपायरेशन को उच्छ्वसन कहा जाता है। एक्सपायरेशन यानी कि वायुमंडल से वायु फेफड़े के अंदर भरने की क्रिया इंस्पायरेशन कहलाता है। बाहर से वायु को फेफड़े के अंदर भरने की क्रिया इंस्पायरेशन और फेफड़े से वायु को बाहर निकालने की क्रिया एक्सपायरेशन या उच्छ्वसन कहलाता है। तो अब यहां पर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे अब इंस्पायरेशन के बारे में कि इंस्पायरेशन कैसे होता है। इंस्पायरेशन की क्रिया में यानी कि किस प्रकार से वायु जो है लंग के अंदर फिल होता है, इस प्रक्रम के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंस्पायरेशन यानी निश्वसन या अंतः श्वसन। अंतः श्वसन तो डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए, वायुमंडल से वायु को फेफड़े के अंदर फिल करने की क्रिया यानी भरने की क्रिया इंस्पायरेशन कहलाता है। अब इंस्पायरेशन की क्रिया जो है किस प्रकार से होती है वो देखिए भाई। इंस्पायरेशन की क्रिया में जब हम वायु को फेफड़े के अंदर भरते हैं, भरने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर कौन कौन से प्रक्रम होते हैं। तो इंस्पायरेशन के समय हमारा डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल यानी डायाफ्राम और अंतर पार्श्व पेशियां अंतर इसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल
यानी अंतर पार्श्व पेशियां, अंतःपार्श्व पेशी, इंटरकॉस्टल मसल, और ये हो गया डायाफ्राम। तो दो शब्द है डायाफ्राम। देखिए डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम जो है यह मांसपेशियों का बना हुआ एक पर्दा नुमा रचना होता है जो हमारे यहां चेस्ट के अंदर यानी यहां से लेकर के लिए हमारे फेफड़े को कवर्ड करके रखता है। हमारे जो दो फेफड़े हैं, दो लंग्स हैं, उनको ये चारों तरफ से कवर्ड करके रखता है डायाफ्राम। ये मांसपेशियों का बना हुआ एक पर्दा होता है, उसे डायाफ्राम कहते हैं। दूसरा इंटरकॉस्टल मसल क्या होता है, तो इंटरकॉस्टल मसल जो है, देखिए हमारी जो रिब्स होती है, रिब्स मीन्स पसलियां, हमारी बॉडी में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो प्रत्येक पसलियों के बीच में, जैसे आप सपोज करो भाई एक पसली ये है, एक पसली ये है और एक पसली ये है, तो दो पसलियों के बीच में जो ये रिक्त स्थान है भाई, इस रिक्त स्थान को कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस यानी अंतरापार्श्विक स्थान इसको कहते हैं। यानी दो पसलियों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थान को अंतरापार्श्विक स्थान कहते हैं। अब इस अंतरापार्श्विक स्थान में जो पेशियां पाई जाती हैं, उन पेशियों को अंतरापार्श्विक पेशी कहते हैं। वापस देखें, अंतरापार्श्विक पेशी किसे कहेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, दो पसलियों के बीच के स्थान को अंतरापार्श्विक स्थान कहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। इस अंतरापार्श्विक स्थान में पाई जाने वाली पेशियों को अंतरापार्श्विक पेशी या इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब इंटरकोस्टल मसल्स जो है, ये दो प्रकार का होता है, ध्यान से देखना आप, इंटर कोस्टल मसल यानी अंतरापार्श्विक पेशियां जो है, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल, और दूसरा होता है इंटरनल इंटर कोस्टल मसल, इंटर कोस्टल मसल। तो इंटर कोस्टल मसल दो प्रकार की हो गई, एक तो हो गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, यानी कि बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां, इसको हिंदी में कहेंगे बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक अंतरापार्श्विक पेशियां। अभी दोनों का काम देख लीजिए, यहां पर ये होता क्या है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये पसलियों को मतलब ये जब संकुचित होती हैं पसलियां, सॉरी
इंटरकोस्टल मसल जब संकुचित होती हैं तो इनके संकुचित होने से पसलियां जो है ये बाहर की तरफ खींचती है। उसी प्रकार से जैसे मान लो इस प्रकार से पसलियां ऐसे हैं ऐसे, तो जो इंटर ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब संकुचित होगा तो ये पसलियां इस प्रकार से ऐसे बाहर की तरफ खींचेगी। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब ये जब संकुचित होती हैं तो जो पसलियां बाहर की तरफ खींच गई थी ना वो पसलियां वापस अंदर की तरफ आ जाती हैं। ये दोनों में अंतर है। यानी इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, दो पसलियों के बीच पाए जाने वाली मांसपेशियों को इंटरकोस्टल मसल कहते हैं या अंतरापार्श्विक पेशी कहती है। दो प्रकार की होती है, बाह्य अंतरापार्श्विक पेशी और आंतरिक अंतरापार्श्विक पेशी। तो बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां क्या होती है, बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां जो है इनके संकुचन से पसलियां जो है बाहर की तरफ ऐसे खींच जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि महिलाएं बालों में ये बक्कल लगाती हैं तो बक्कल को जैसे पीछे साइड दबाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से ऐसे ओपन होता है और जब उसको छोड़ दिया जाता है तो ये वापस ऐसे आ जाता है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब संकुचित होती है तो पेमानी ये जो सीने की जो पसलियां नहीं है ये बाहर की तरफ ऐसे ओपन होती है। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब ये जो संकुचित होती है तो जो पसलियां बाहर की तरफ संकुचित हो गई थी वो वापस अंदर की तरफ आ जाती है। ये प्रकृति तो ये दो शब्द हैं जान लिया, एक हो गया डायाफ्राम और दूसरा इंटरकोस्टल मसल। तो जो इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन की क्रिया में इन दो संरचनाओं का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक तो है डायाफ्राम और दूसरा है अंतरापार्श्विक पेशियां यानी इंटरकोस्टल मसल। अब देखिए अब होता क्या है, इंस्पायरेशन के समय बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियों में और डायाफ्राम में संकुचन उत्पन्न होता है। पहला पॉइंट क्या बताया हमने आपको कि इंस्पायरेशन के समय बाह्य अंतरापार्श्विक पेशी यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम दोनों में संकुचन होता है। तो दोनों में संकुचन होने से होता क्या है, जब इंटरकोस्टल मसल संकुचित होती है बाह्य इंटरकोस्टल मसल तो हमारी जो पसलियां हैं ये बाहर की तरफ फैलती है। तो पसलियां जब बाहर की तरफ ऐसे फैल गई इनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा हो गया अर्थात बक्ष गुहा का आयतन, बक्ष गुहा का मतलब जो हमारा सीना है ना, सीने के अंदर अगर जब देखेंगे तो वहां जो स्थान है उसको बक्ष गुहा कहते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के संकुचन से पसलियां बाहर की तरफ आ जाती हैं, पसलियों के बाहर आने से बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और डायाफ्राम जब संकुचित होता है तो डायाफ्राम के संकुचित होने से डायाफ्राम चपटा हो जाता है और चपटा होकर के वो नीचे की तरफ ऐसे आ जाता है, मतलब यहां से उदर गुहा यानी उदर गुहा मतलब तो पेट के अंदर जो स्थान है इसको उदर गुहा कहते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी, तो डायाफ्राम जब संकुचित होता है डायाफ्राम के संकुचित होने से डायाफ्राम चपटा होकर के उदर गुहा की ओर नीचे की साइड में आ जाता है। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है यानी कि पसलियों के बाहर खींचने से और डायाफ्राम के उदर गुहा के अंदर जाने से दोनों कंडीशन में जो बक्ष गुहा का आयतन है ये बढ़ जाता है। अब देखिए बक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े के ऊपर जो पसलियों का दाब था ना, डायाफ्राम का दाब या पसलियों का जो दाब था डायाफ्राम के ऊपर वो दाब हट जाता है। तो इस दाब के हटने के कारण
पसलियों फेफड़े के अंदर जो वायु दाब है उसका मान वायुमंडलीय दाब से बिल्कुल कम हो जाता है। अब वायुमंडलीय दाब से कम होते ही बाहर से वायु जो है वो फेफड़े से होते हुए वायु कुटिका में भरने लगती है। वायु कुटिका क्या है, हमारे प्रत्येक फेफड़े में लगभग 30 करोड़ अंगूर के गुच्छे के समान रसनाएं पाई जाती हैं, जिसे वायु कुटिका कहते हैं। तो भक्ष को तो अब देखिए वापस एक बार इसको देखिए, इंस्पायरेशन क्या कैसे होता है। इंस्पायरेशन के समय बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां तथा डायाफ्राम दोनों संकुचित होते हैं। बाह्य अंतरापार्श्विक पेशी यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के संकुचित होने से पसलियां बाहर की तरफ आ जाती हैं, जिससे पक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, इसे देखिए सांस ले रहे तो सांस जैसे हम लेते हैं तो ये सीने ये हमारी जो पसलियां ये बाहर की तरफ आ जाती है। आप खुद करके इसको ट्राई करके देखिए, देखिए बाहर की तरफ आ गई तो बाहर की तरफ आई तो पक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, यानी कि इसके अंदर जो जो फेफड़ा है फेफड़े के ऊपर जो पसलियों का दाब था वो दाब जो है एक बार हट गया। एक बार मैं इस तरीके से आपको बताना चाहूंगा, यहां आप देखिए, आप सपोज करिए कि ये लंग है, ये टोपी जो है ये लंग है, तो ये पसलियां इसके ऊपर ठीक ऐसे ऐसे इसको दबाए रहती है, ऐसे सामान्य अवस्था में इस प्रकार से इसको दबाए रहती है, यानी इस पर एक दाब रहता है। लेकिन इंस्पायरेशन के समय जब ये पसलियां खींच करके बाहर आ जाती है और डायाफ्राम नीचे चला जाता है तो इस फेफड़े के ऊपर जो दाब था पहले ऐसे, अब यह दाब ये कम हो गया तो फेफड़े पर जैसे दाब कम हुआ तो फेफड़े पर दाब कम होते ही फेफड़े के अंदर वायु का दाब और बाहरी वायुमंडलीय दाब दोनों में अंतर हो जाने के कारण बाहर से वायु फेफड़े के अंदर भरने लगती है और तब तक भरती है जब तक कि वायुमंडलीय दाब और फेफड़े के अंदर की वायु दाब दोनों बराबर नहीं हो जाता, तब तक भरता रहता है। और जैसे ही दोनों दाब बराबर हो जाता है तुरंत एक्सपायरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक्सपायरेशन में क्या होगा, देखिए पहला तो एक्सपायरेशन हुआ, दूसरा क्या एक्सपायरेशन में क्या हुआ, इंस्पायरेशन में पसलियां बाहर आ गई थी, फेफड़े का पर दाब का मान कम हो गया, लेकिन एक्सपायरेशन के समय होता क्या है, जो आंतरिक अंतरापार्श्विक पेशियां हैं, हमने आपको बताया था जो आंतरिक अंतरापार्श्विक पेशियां हैं उन पेशियों में संकुचन होता है, जिससे कि जो पसलियां बाहर की तरफ गई थी वो वापस अंदर की तरफ ऐसे आ जाती है। और जैसे पसलियां अंदर की तरफ आई और डायाफ्राम नीचे से फिर ऊपर चला गया, जो ऐसे नीचे आ गया था वो वापस ऊपर चला गया, तो डायाफ्राम के ऊपर जाने से और पसलियों को नीचे आ जाने से इस फेफड़े के ऊपर दाब का मान बढ़ जाता है। तो फेफड़े पर जैसे पसलियां पड़ी दाब का मान बढ़ गया, यानी कि फेफड़े में उपस्थित वायु दाब का मान वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। ऐसे कंडीशन में फेफड़े से वायु निकल करके वायुमंडल में चली जाती है, यह प्रक्रम जो है एक्सपायरेशन कहलाता है। तो ये हमने आपको बताया है पहला, जिसे मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन यानी श्वसन की क्रियाविधि में पहला स्टेप हमने आपको ये बताया है कि ब्रीथिंग कैसे होती है, ब्रीथिंग का प्रक्रम यानी उपफुसीय संवातन ये दो चरणों में संपन्न होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है, वायुमंडल से वायु को फेफड़े के अंदर भरना इंस्पायरेशन है और फेफड़े से वायु को बाहर निकालना इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन कैसे होता है एक बार वापस सुन लीजिए आप। इंस्पायरेशन के समय बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां
यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में संकुचन तथा डायाफ्राम में संकुचन होता है, जिससे पसलियां बाहर की तरफ आ जाती हैं और डायाफ्राम नीचे की तरफ उधर गुहा में आ जाता है। ऐसे में पक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े के ऊपर दाब कम हो जाता है, जिससे फेफड़े के अंदर वायु दाब का मान वायुमंडलीय वायु दाब से कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में बाहर की वायु फेफड़े के अंदर आकर के भरने लगती है और तब तक भरती है जब तक कि वायुमंडलीय दाब और फेफड़े के अंदर की वायु दाब बराबर नहीं हो जाती। और जैसे बराबर होती है तुरंत एक्सपायरेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक्सपायरेशन की क्रिया में क्या होता है कि जो आंतरिक अंतरापार्श्विक पेशियां होती हैं उनमें संकुचन होता है और उनमें संकुचन होने से फैली हुई पसलियां वापस अपनी स्थान पर आ जाती है और डायाफ्राम वापस वक्ष गुहा में आ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, फेफड़े के ऊपर पसलियों का दाब बढ़ जाता है। ऐसे में फेफड़े के अंदर जो वायु है उस पर दाब का मान वायु दाब का मान वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अधिक होने के कारण फेफड़े से वायु निकल करके वायुमंडल में चली जाती है। यह प्रक्रिया हो गया आपका इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, इंस्पायरेशन की प्रक्रिया में वायु का रूट क्या है, वायु का रूट क्या है, यानी किस रास्ते किन किन रास्ते से होते हुए वायु जो है फेफड़े की वायु कोशिका तक पहुंचती है, वो जानना बेहद जरूरी है। और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, चार ऑप्शन दिए रहते हैं रूट के और उन्हीं में से कोई एक सही होता है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए सबसे पहले वायु हमारे नाक के जो छिद्र है ना इस छिद्र में प्रवेश करता है, यानी नासा द्वार जिसको हम कह सकते हैं नासा द्वार से नासा गुहा में आता है, नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्र से वायु कहां गया, ग्रसनी में, या देखो फिर ग्रसनी से वायु कहां गया घाटी, ग्लॉटिस को कहते हैं घाटी में गया, घाटी से श्वसन नली में गया, श्वसन नली में गया, श्वसन नली से श्वसनी में गया, श्वसनिका श्वसनिका से वायु कोश या तो हम कह सकेंगे श्वसनिका से वायु कुटिका वाहिनी वायु कुटिका वाहिनी से इसको सीधा नीचे करते हैं हम वायु कुटिका कोष और वायु कुटिका से
ये देखिए, ये है वायु का, वायुमंडल से वायु का वायुकोशिका तक पहुंचने का रास्ता, किन किन रास्तों से होकर के ये गुजरता हुआ अंत में वायुकोशिका में पहुंच जाता है, ये इसका आलेख है। वापस ये सबसे पहले नासा द्वार, नासा द्वार से नासा गुहा, नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र से ग्रसनी, ग्रसनी से घाटी, घाटी से श्वसन नली, श्वसन नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, श्वसनिका से वायुकोशिका वाहिनी, वायुकोशिका वाहिनी से वायुकोशिका कोष में आता है, और वायुकोशिका कोष से वायुकोशिका में वापस पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसको याद कर लेना। अब देखो, अब इसके बाद है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पहला तो क्या था, पल्मोनरी वेंटिलेशन था। हमने आपको बताया था कि श्वसन की क्रियाविधि तीन चरणों में संपन्न होती है। पहला था ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों का विनिमय या गैस के विनिमय। देखिए, विनिमय का मतलब क्या है कि कहीं आप दुकान पर गए, दुकान पर आपने उसको पैसे दिए, वो आपको सामान दिया, तो वह स्थान जहां पर किसी चीज के बदले किसी चीज को लिया जाता है और किसी को दिया जाता है, वह स्थान जो है विनिमय स्थल कहलाता है। तो हमारे फेफड़े में गैसीय विनिमय स्थल जो है वो एल्वियोली यानी वायुकोशिका होती है, वायुकोशिका होती है। वायुकोशिका क्या होती है भाई, हमारे प्रत्येक फेफड़े में लगभग 30 करोड़, दोनों फेफड़े को मिला करके लगभग 60 करोड़ अंगूर के गुच्छे के समान रचनाएं पाई जाती है, जिसे वायुकोशिका कहते हैं। इसी वायुकोशिका में गैसीय विनिमय होता है, यानी कि कोशिकाओं से उत्तकों से, देखो माल आप सोच देंगे कि ये वायुकोशिका है, वायुकोशिका में शरीर के विभिन्न भागों से CO2 ये आता है वायुकोशिका में, और वायुकोशिका से फिर इसको फेफड़े के द्वारा बाहर निकाला जाता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को, और जबकि वायुमंडल से ऑक्सीजन वायुकोशिका में आता है, और वायुकोशिका से ये ऑक्सीजन जो है ये उत्तकों में जाता है, यानी कोशिकाओं तक जाता है। देखिए इस आरेख को देखिए कि शरीर के विभिन्न भागों से या शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, वह कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के माध्यम से वायुकोशिका में पहुंचती है, वायुकोशिका से फिर फेफड़े में, फेफड़े से बाहर कर दिया जाता है, और वायुमंडल से वायु जो है वो वायुकोशिका में आता है, वायुकोशिका से ये रुधिर के माध्यम से उत्तकों में, उत्तकों से कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है और ऑक्सीजन को दिया जा रहा है, यानी रुधिर से CO2 लिया जा रहा है और रुधिर में O2 को दिया जा रहा है फेफड़े के बाद। तो इस प्रकार से फेफड़े की जो वायुकोशिका है ये एक विनिमय स्थल होता है फेफड़े में। आप देखिए भाई, इसमें होता कैसे, सारी प्रक्रिया होती कैसे, किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से वायुकोशिका में आती है, और कैसे भी रुधिर या ऑक्सीजन कोशिका से
रुधिर में जाता है रक्तपत्रम के बारे में आप समझिए पहले। तो सबसे पहले एक शब्द है गैसों का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। आप गैसें गैसों का आंशिक दाब, गैसों का आंशिक दाब किसे कहेंगे? वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं सभी गैसों का, सभी गैसें सामूहिक रूप से मिलकर के समुद्र की सतह पर एक दाब डालती है। हालांकि ये केवल समुद्र की सतह, हर जगह चारों तरफ ये दाब डालती है, केवल समुद्र की सतह पर नहीं है, लेकिन जो हम काउंट करते हैं, जिस चीज को हम मापन करते हैं, वो समुद्र के सतह को ही लिया जाता है। कहीं कोई ऊंचाई की बात होगी तो वहां कहते हैं समुद्र की सतह से इतनी मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर समुद्र की सतह जो है, समुद्र की सतह पर सभी गैसों द्वारा सामूहिक रूप में एक दाब डाला जाता है, उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और उस वायुमंडलीय दाब का मान होता है 760 एमएम। ये होता है यानी सभी गैसों द्वारा समुद्र की सतह पर डाला गया दाब, यानी सभी गैस वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों द्वारा सामूहिक रूप में समुद्र की सतह पर डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब होता है। ये वायुमंडलीय दाब का मान 760 एमएम एचजी होता है। तो अब हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी गैस का अगर हमको आंशिक दाब ज्ञात करना है, किसी गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना है, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर कहते हैं किसको है? आंशिक दाब, आंशिक दाब किसे कहेंगे? अब देखिए सारे गैसों मिलकर के एक जगह पर अपना दाब डाल रहे हैं समुद्र की सतह पर, वो तो वायुमंडलीय दाब हो गया। अब इनमें जितनी गैसें हैं सभी गैसों का अलग अलग निकाल लिया जाएगा, जो कि यह गैस कितना दाब, इसका कितना योगदान है 760 एमएम एचजी में, इस गैस का कितना योगदान है, ये कितना दाब हिसाब। सपोज के लिए मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग मिल करके किसी चीज पर दाब लगाते हैं, तो 10 लोगों का सामूहिक रूप से एक दाब, कोई दाब पड़ेगा। अब उसमें मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति का कितना कितना दाब हो रहा है, नहीं मान लो आप सपोज इस कमरे में यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, अब 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोग द्वारा इसकी सतह पर फर्श पर कुछ न कुछ दाब तो पड़ रहा है सबका सामूहिक रूप में। अब उसमें हर व्यक्ति द्वारा कितना दाब पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी उसका भार अधिक है तो उसके द्वारा ज्यादा दाब पड़ रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा डाला गया दाब वही उस व्यक्ति का आंशिक दाब हो जाएगा। यानी कि वायुमंडल में उपस्थित प्रत्येक गैस द्वारा डाला गया दाब उस गैस का आंशिक दाब होता है। अब किसी गैस का आंशिक दाब हम कैसे निकालेंगे, किसी गैस का आंशिक दाब निकालने के फार्मूला क्या है? देखिए यानी गैस का वायुमंडल में प्रतिशतता गैस का वायुमंडल में प्रतिशतता बटे 100 × 760 ये होता है। किसी भी गैस का अगर आपको आंशिक दाब ज्ञात करना है तो इस प्रकार से आप उस गैस का आंशिक दाब ज्ञात करते हैं, यानी कि जिस गैस का आंशिक दाब आप ज्ञात करना चाहते हैं उस गैस का वायुमंडल में कितना प्रतिशत मात्रा है उसका बटे 100 × 760 आप कर दीजिए, वो आपका उस गैस का आंशिक दाब ज्ञात हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्ञात करना चाहते हैं कि
ऑक्सीजन का अंशदान कितना होता है उसको देखिए, यानी ऑक्सीजन का यानी इसको पीओ टू कह दिया जाता है, पीओ टू, पीओ टू माने प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का अंशदान ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन का वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा कितनी है, 21%, 21/100 इंटू 760 ये हो गया। अब इसको अगर हम इसको काट देते हैं इसको, तो यहां आ जाएगा 7.6। तो 7.6 21 का गुणा कर दो आप इसमें, यानी 7.6 में 21 का गुणा कर दीजिए तो ये हो गया आपका 6×12 को 8×1 7×14 15 6 9 5 1 159.6 यानी 159.6 mm एचजी। देखिए ये ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब होता है, तो किसी भी गैस का आंशिक दाब अगर आपको ज्ञात करना है इस फार्मूले के अनुसार आप ध्यान कर सकते हैं, किसी गैस का आंशिक दाब बराबर उस गैस का वायुमंडल में प्रतिशतता बटे 100×760 ये कर दीजिए आप, तो उस गैस का आंशिक दाब बराबर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है। आप जानते हैं किसी गैस का विसरण दर उस गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी कि किसी गैस का दाब जितने अधिक होगा उस गैस का विसरण की दर उतने अधिक होगी। तो अब देखिए यहां पर ये वायुकुपिता आपने यहां पर बना दिया, तो देखिए अब वायुकुपिता में वायु ऑक्सीजन है आ गया है, अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू ये पहुंचेगा सेल में, लास्ट में सेल के अंदर पहुंच जाएगा ये ऑक्सीजन, और फिर सेल से CO2 जो है इसके अंदर आएगी, CO2। अब देखिए अब ऑक्सीजन कैसे वायुकुपिता से ऑक्सीजन कैसे ब्लड में जाती है और ब्लड से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायुकुपिता में आती है, इस चीज के बारे में आप देखिए। तो सबसे पहले जब हम इंस्पायरेशन के प्रकरण के दौरान फेफड़े की वायुकुपिता में जब हम वायु को लेते हैं तो PO2 का मान बढ़ जाता है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के आंशिक दाब का मान बढ़ जाता है और वो हो जाता है 105 mmHg हो जाता है, यानी इंस्पायरेशन के समय फेफड़े की वायुकुपिता में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 105 mmHg हो जाता है, जबकि CO2 का आंशिक दाब उस समय 40 mmHg होता है, कितना 40 mmHg। तो जिसके कारण यानी दाब में PO2 अधिक है तो दाब यानी ऑक्सीजन के आंशिक दाब अधिक CO2 का आंशिक दाब कम होने के कारण यह ऑक्सीजन विसरित होकर के ब्लड में चला जाता है, विसरित होकर के ब्लड में चला जाता है, दाब का मान अधिक था इसलिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से ऊतकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वायुकुपिता में विद्युत के माध्यम से, इसमें देखिए इसमें जो है मतलब एक्सपायरेशन के पूर्व होता क्या है कंडीशन कि CO2 जो वायुकुपिता में आती है वो पी CO2 का मान ब्लड प्रेशर ऑफ CO2 इसका मान 46 mmHg होता है, और ऐसे में पी O2 का मान जो है वो 40 mmHg हो जाता है,
40 mm अचीव हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जो कोशिकाओं ने शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो आ रहा है, इस रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर के वायु कोशिका में आ जाता है। वापस देख लीजिए एक बार, किस प्रकार से गैसों का विनिमय होता है। इंस्पायरेशन के दौरान जब हम फेफड़े की वायु कोशिका में वायु को भर लेते हैं, ऐसे में ऑक्सीजन का आंशिकता का मान 105 mm3 हो जाता है, और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड वायु में कितनी रहती है, 40 mm3 रहती है उस समय। तो दाबमेश अंतर के कारण रुधिर, ये जो ऑक्सीजन है ये रुधिर में विसरित हो जाता है, यहाँ से वायुकोशिका से रुधिर में विसरित हो जाता है। और फिर आगे क्या करती है, कोशिका तक जाएगा, कैसे जाएगा वो अगले स्टेप में बताएंगे आपको। और शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड कलेक्ट करके वायुकोशिका में आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो 46 mm3 होता है, और उस समय ऑक्सीजन का पीओ2 जो है यानी 40 mm3 होता है, यानी CO2 का अधिक, O2 का कम, जिसकी वजह से इस रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके वायु कोशिका में आ जाता है। यह प्रक्रम कहलाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो अब तीसरा पॉइंट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।